बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। T20 विश्व कप में शुक्रवार के दिन खेले गए भारत बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 6.3 ओवर में मात देकर सेमीफाइनल में जाने के लिए अपनी राह एक बार फिर बना ली है। भारत को कल अफगानिस्तान के नेट रन रेट को पार करने के लिए 7.1 ओवर में मैच जीतना जरूरी था, मगर भारत ने ये मुकाबला 4 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। अब अगर भारत ने अपना आखिरी मुकाबला जो कि नामीबिया के विरुद्ध खेला जाना है जीत लिया और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात दे दी तो फिर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मगर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा का एक जवाब अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार ट्विटर पर लोग उनकी वीडियो को शेयर करते नहीं थक रहे हैं। हुआ यूं कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर भारत नामीबिया को हरा देता है लेकिन अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाती है तो फिर क्या होगा। इसके बाद जो रविंद्र जडेजा ने जवाब दिया वो बेहद मज़ेदार है और सुनने वाला है। इस सवाल का जवाब देते हुए जडेजा ने कहा, तो फिर क्या बैकपैक करके घर जाएंगे और क्या। जडेजा ने जिस अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अपने T20 करियर की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई और अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। अब बता दें कि स्कॉटलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला जो उन्होंने T20 में भारत के लिए 9 साल बाद जीता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।